हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना फोर्थ लेसन पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का, जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, मींस पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। उससे पहले हमारे पास तीन क्वेश्चंस दिए हैं। लेट्स थिंक, डू यू लाइक टू डू योर होमवर्क। लेट्स फाइंड, इज इट गुड टू कीप योर होमवर्क इनकम्प्लीट। लेट्स इमेजिन, व्हाई डू योर टीचर्स असाइन यू होमवर्क डेली। मीन्स कि क्या आपको अपना होमवर्क करना पसंद है, या फिर अगर ये अच्छी बात है कि अगर हम अपना होमवर्क इनकम्प्लीट रखें, या फिर टीचर जो होते हैं वो होमवर्क क्यों देते हैं। तो अब हम मेनली अपनी स्टोरी पर आते हैं। ये स्टोरी एक लड़के की है जिसका नाम है पैट्रिक। पैट्रिक जिसे अपना होमवर्क करना नहीं पसंद होता, फिर उसे इसके बदले कुछ इसे सॉल्यूशन मिलता है। फिर क्या होता है हम अब स्टोरी से जानेंगे। पैट्रिक नेवर लाइक टू डू हिज होमवर्क। मीन्स पैट्रिक को अपना होमवर्क करना नहीं पसंद था। टू बोरिंग ही सेड ही लव टू प्ले बेसबॉल एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। उसे जो होमवर्क करना होता था बहुत बोरिंग लगता था, इसकी बजाय उसे बेसबॉल, बास्केटबॉल, ये सब गेम्स खेलना पसंद थे। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट अर्न एनी थिंग। मीन्स अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ भी अर्न नहीं करोगे। अर्न मीन्स होता है कमाना। What could Patrick do? He hated homework. Means Patrick क्या करता, उसे homework से नफरत होती थी। Then one day he saw his cat playing with a little doll. एक दिन Patrick ने क्या देखा कि उसकी cat जो है किसी छोटी सी doll के साथ play कर रही थी। Patrick snatched it away. Snatch करना means छीन लेना, तो Patrick ने क्या कैसे snatch कर लिया। Then but he could not believe his eyes. लेकिन उसे अपनी eyes पे believe नहीं हुआ। It was not a doll at all. Rather a very tiny man, an elf. Means वो डॉल नहीं थी, वो एक टाइनी सा छोटा सा मैन था, एक देव। The elf wore a tall hat like a witch. यानी एल्फ ने एक टॉल हैट पहन रखा था। Save me, he yelled. Yield means था याचना करना, किसी से प्रे करना। वो कह रहा था कि मतलब मुझे बचा लो, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। मतलब उसे उस कैट को मत दो। आई विल ग्रांट यू ए विश, आई प्रॉमिस यू दैट। वो उसने कहा कि मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मैं इसका प्रॉमिस कर रहा हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हिज लक, तो पैट्रिक को अपने लक पे बिलीव नहीं हुआ। हियर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम, यानी यहाँ उसकी सारी प्रॉब्लम का आंसर था। सो ही सेड, तो उसने क्या कहा, विल यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द टर्म। उसने कहा कि क्या तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे इस टर्म के एंड तक। डू ए वेरी गुड जॉब, आई कुड इवन गेट ए। उसने कहा कि मतलब इतना अच्छा काम करो कि मुझे ए मिल जाए, मतलब उसके एग्जाम में उसे ए मिले। द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक अ डिश क्लॉथ। जो छोटे आदमी का फेस था वो सिकुड़ गया, रिंकल में सिकुड़ गया, जैसे कि डिश क्लॉथ सिकुड़ जाता है। ही किक्ड हिज लेग, क्लिंच हिज फिस्ट एंड स्क्रॉल्ड। उसने क्या किया, अपने पैरों को छटपटाया, अपनी मुट्ठी को, फिस्ट को क्लेंच किया, बंद किया, और एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और अपने होठों को काटा। ओ व्हाट डिड आई प्रॉमिस, मैंने क्या प्रॉमिस कर लिया। बट आई शैल डू इट, लेकिन मैं इसे करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और अपने वर्ड्स को ट्रू रखते हुए लिटिल एल्फ ने होमवर्क पैट्रिक का करना स्टार्ट किया। बट देयर वॉज वन प्रॉब्लम, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। क्योंकि एल्फ जो था वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो एल्फ को हमेशा क्या होता था, एल्फ को हमेशा हेल्प चाहिए होती थी। किसकी, पैट्रिक की। तो उसको वॉट हेल्प मी हेल्प मी ही वुड से, मतलब वो हमेशा कहते थे हेल्प मी हेल्प मी। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प हिम इन वॉट एवर वे। और पैट्रिक को क्या होता था कि पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी, क्योंकि पैट्रिक को अपनी बुक्स के आंसर मालूम थे, लेकिन एल्फ ने तो नहीं पढ़ाई की थी, एल्फ को नहीं मालूम था। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल डूइंग पैट्रिक्स होमवर्क। मैं इस वर्ड को नहीं जानता। स्क्वीक्ड मींस था चिल्लाना। एल्फ चिल्लाता पैट्रिक का होमवर्क करते टाइम। ब्रिंग मी एक डिक्शनरी। नो नो, लुक एट द वर्ड एंड रीड आउट द मीनिंग। उसने पहले कहा कि मुझे एक डिक्शनरी ला दो, फिर उसने कहा नो नो, लुक अप द वर्ड एंड रीड आउट द मीनिंग। मीन्स वर्ड को देखो, मीनिंग पढ़ो। When it comes to math, जब इस ये मतलब मैथ पर आता, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। मीन्स पैट्रिक लक से आउट हो जाता। वेयर आर टेबल्स, टेबल्स वाट आर टेबल्स, मतलब मीन्स टेबल्स क्या है। द एल्फ श्रीक्ड, श्रीक मीन्स चिल्लाया।
वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हमें इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड व्हाट दीज एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड फ्रैक्शन आर, वो कह रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन और फ्रैक्शन क्या है. हियर सिट डाउन बिसाइड मी एंड यू मस्ट सिंपली गाइड मी, यानी कहता था कि इधर आओ मेरे पास बैठो और मुझे गाइड करो. एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी एल्फ जो था, एल्फ जो होते हैं, बौने जो देव होते हैं, वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते. टू देम इट्स मिस्ट्री, यानी उनके लिए एक मिस्ट्री है. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, तो जो एल्फ जो था जो वैसे ही चिल्लाता था, शाउटर था, तेज़ बोलता था और तेज़ बोलता. ब्रिंग मी मोर बुक्स, आई नीड बुक्स, यानी मुझे और बुक्स लाओ, मुझे बुक की ज़रूरत है. मोर एंड मोर बुक्स, और ज़्यादा बुक. एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और मुझे उस पर पढ़ने में भी हेल्प करो. सो पैट्रिक हैड टू वर्क हार्डर दैन एवर बिफोर, इसलिए पैट्रिक को क्या होता, और हेल्प करनी होती और वर्क करना होता. ही हैड टू कीप अवेक आफ्टर नाइट, उसे नाइट आफ्टर नाइट, यानी उसे रात रात भर जागना पड़ता. ही हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वियरी मीन्स थका हुआ, उसने कभी भी इतना टायर्ड, इतना थका हुआ नहीं महसूस किया. फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड पैट्रिक केप्ट हिज प्रॉमिस लार्ज, यानी फाइनली क्या हुआ कि स्कूल का लास्ट डे आ गया और पैट्रिक ने अपने प्रॉमिस को पूरा किया. ही लेट द एल्फ गो, उसने क्या किया, एल्फ को जाने दिया. एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ आउट द बैक डोर, यानी कि अब वहाँ पर कोई होमवर्क नहीं था तो इसलिए वो क्वाइटली जो था बैक डोर से चला गया. पैट्रिक गॉट हिज ए, पैट्रिक को ए मिला. हिज क्लासमेट्स वर अमेज, उसके क्लासमेट्स जो थे अमेज हो गए. हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, यानी उसे बहुत प्रेज किया उसके टीचर ने और स्माइल किया. एंड एज फॉर हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड वॉट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और उसके पेरेंट्स वो वंडर कर रहे थे कि पैट्रिक को क्या हुआ है. ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वो अब एक मॉडल किड था. ही क्लीन हिज रूम, डिड ऑल हिज चोर्स एंड वॉज ऑलवेज चीयरफुल, यानी कि वो हमें अपना रूम क्लीन करता, अपने सारे वर्क, अपने सारे टास्क कंप्लीट करता और हमेशा खुश रहता. नेवर रूड टू एनीबडी, और किसी से रूड भी नहीं रहता था. एज ही इफ ही हैड डेवलप ए होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लगता था कि उसने एक नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया है. यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टाइनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क, यानी कि आप देखते हैं कि एंड में पैट्रिक अभी भी सोचता है कि उसने उस टाइनी मैन से अपना सारा काम करवाया. बट लेट मी रिवील द सीक्रेट, फिर राइटर कह रहा है कि लेकिन मुझे सीक्रेट बताने दो. इट्स जस्ट बिटवीन यू एंड मी, यानी ये सीक्रेट सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में है. इट वॉज नॉट द एल्फ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी वो एल्फ नहीं था जिसने पैट्रिक का होमवर्क किया. बट इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु हैड डन इट ऑल, यानी कि वो पैट्रिक था जिसने अपना सारा काम किया. क्यों ये कहा जा रहा है, क्योंकि एल्फ हमेशा पैट्रिक को एल्फ की हेल्प करनी पड़ती थी और उसने पहले से भी ज़्यादा मेहनत किया. तो इन एंड में हम ये कहते हैं कि जो पैट्रिक है उसने ही अपना होमवर्क किया क्योंकि उसने तो पहले से ज़्यादा मेहनत किया. तो यही चीज़ है, स्टोरी हमारी यही थी, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, तो पैट्रिक हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क. तो हमारी स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हुई. थैंक यू.